हेलो एवरीवन, मैं हमारे हॉट ट्रेंड्स 2020 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्हाट्सअप ट्रिक्स लाई हूँ। इसके पहले वाला जो वीडियो था व्हाट्सअप ट्रिक्स से, वो बहुत ही आप लोगों ने पसंद किया, इसलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए फिर आज ऐसे ही कुछ हिडन व्हाट्सअप ट्रिक्स हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक है व्हाट्सअप स्टिकर। आप अपने पर्सनलाइज स्टिकर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। जैसे हम अभी तो व्हाट्सएप के स्टिकर यूज़ करते हैं, इमोजीज यूज़ करते हैं, बट उसके बजाय हम अपने खुद के फ़ोटो से अपने स्टिकर भी बना सकते हैं, जो किसी को अगर आपको सेंड करना हो या फिर कमेंट करना हो। तो इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप स्टिकर मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर इसको ओपन करके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, फिर अपने फ़ोन में से कोई भी इमेज उसमें सेलेक्ट कीजिए, अपने हिसाब से उसको कट कर लीजिए, तो फिर आपका वो स्टिकर बन जाएगा। लेकिन ये आपको अगर व्हाट्सएप पे डालना है तो कम से कम आपको इसके 3 स्टिकर बनाने होंगे, उसके बाद ही वहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू व्हाट्सएप। तो फिर उसके बाद आप जब भी किसी को मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो अपना स्टिकर वहाँ पे डाल सकते हैं। अगली ट्रिक से आप अपने व्हाट्सएप के फॉन्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इसके लिए आपको स्टार टाइप करना है, फिर मैसेज आपको टाइप करना है, फिर स्टार डाल देना है। इसे आप बोल्ड कर सकते हो, जो भी आपका फॉन्ट रहेगा। फिर सेकंड है, आप अंडरस्कोर मैसेज टाइप करोगे, अंडरस्कोर आगे लगा दोगे तो वो फॉर्मेट इटालियन फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप टिल्ट सिंबल मैसेज और फिर टिल्ट सिंबल टाइप करते हो तो आपके मैसेज में कट थ्रू आ जाएगा। अगर आप मैसेज को मोनोस्पेस में टाइप करना चाहते, 3 बार बैक कोट मैसेज और फिर 3 बार बैक कोट टाइप कर देंगे तो फॉन्ट मोनोस्पेस में कन्वर्ट होके मैसेज दिखाई देगा। ये कुछ सिंबल्स हैं जिसके यूज़ से आप व्हाट्सएप में अलग अलग फॉन्ट के मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप की अगली ट्रिक से आप किसी भी अननोन पर्सन के ग्रुप में ऐड होने से बच पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को जानते नहीं हैं और अचानक हम देख लेते कि हमारा नंबर किसी ग्रुप में ऐड हो गया है, तो ऐसी चीज़ों से हम बार बार इरिटेट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है, वहाँ पे अकाउंट में आपको प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर नीचे आपको ग्रुप्स दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके अगर आप वहाँ पर माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर देते हो तो आपको उसी ग्रुप में ऐड किया जाएगा जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में अवेलेबल रहेंगे। कि आखिरी ट्रिक है, अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप पे बिना ऑनलाइन आए, तो आपको बस सिंपली गूगल असिस्टेंट ओपन करना है। उसमें आपको मैसेज टू, आप जिस भी इंसान को मैसेज करना चाहते हैं उसका नाम ले लेना है। तो आपको दो ऑप्शन वहाँ पे ओपन हो जाएंगे, एक तो टेक्स्ट मैसेज, सेकेंड व्हाट्सएप मैसेज। अगर आप वहाँ से व्हाट्सएप चूज़ करके मैसेज भेज देते हो तो वो आप बिना ऑनलाइन आए वो मैसेज उसको चला जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।